ब्लैक फंगस व्हाइट फंगस और येलो फंगस होता क्या है हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी जी हैं सर फंगस जो है वो लगातार बढ़ रहा है चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें दिल्ली की बात करें हरियाणा की बात करें लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं है क्या ये फंगस पहले हमारे दर्शकों को ये समझाइए देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो फंगस जो बीमारी है ये कोई नई नहीं, नहीं है पहले भी फंगल डिजीज़ होती थी जिस तरह से वायरल डिजीज़ होती है क्योंकि जो कोरोना वायरस है कि वायरल डिजीज़ है बैक्टीरियल डिजीज़ होती है ऐसे ही फंगल फंगल इन्फेक्शन भी पहले होते थे अभी फ़िलहाल हम जो बात कर रहे हैं सबसे ज़्यादा सुनने में आ रहा है ब्लैक फंगस जिसको कि म्यूकर माइकोसिस कहते हैं ये भी पहले था पर अब बात आती है कि अब इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया है इसके पीछे का कारण क्या है अगर हम बात करें पिछली वेव और अभी की वेव की हालांकि पिछली वेव में भी ये जो म्यूकर माइकोसिस है जिसको ब्लैक फंगस कहा जा रहा है ये देखा जा रहा था पर इस बार इस वजह से बढ़ा अगर आप देखें देखिए पिछली बार जब पीक आई थी तो पीक में एक लाख के करीब केसेस देखे गए थे सबसे ज्यादा पर अभी हम देख रहे थे कि डेली चार लाख के करीब केसेस आ गए थे तो चार गुना तो केसेस बढ़ गए थे तो चार गुना जब केसेस बढ़ गए थे तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो पोस्ट कोविड कोविड के बाद की जो और कॉम्प्लिकेशन है वो भी बढ़ेंगी उसी में से एक कॉम्प्लिकेशन ये आपका फंगल इन्फेक्शन है अब ये फंगल इन्फेक्शन होता क्यों है अगर पहले भी था तो पर अब ये बढ़ क्यों गया बहुत ज़्यादा देखिए फंगल इन्फेक्शन इसको एक हम अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन कहेंगे कि इसको जैसे अपॉर्चुनिटी मिली तभी इसने इन्फेक्ट कर दिया किसी को ठीक है ना कैसे आ, होता क्या है इसके कारण क्या है किन को ये इन्फेक्ट कर सकता है कोविड तो बहुत सारे लोगों को हुआ है पर कुछ लोग ही इससे इन्फेक्ट क्यों हुए कुछ लोग ही इससे ग्रसित क्यों हुए हैं ये जो इन्फेक्शन है ये उन लोगों में ज्यादा मिला है जो कोरोना से रिकवर होने के बाद जिन लोगों में अधिकतर देखा गया है कि उनको डायबिटीज़ हालांकि डायबिटीज़ भी बहुत लोगों को है पर अनकंट्रोल डायबिटीज़ मतलब अनियंत्रित शुगर इसके अलावा दूसरा कारण कि वो काफ़ी समय तक स्टीरोयड पे भी रहे तो जो स्टीरॉयड है वो भी आपकी इम्यूनिटी को कम कर देती है डायबिटिक अनकंट्रोल हो तो उस केस में जो है फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा तेजी से फैलता है तीसरी अगर हम इसके अंदर बात करें तो ज़्यादातर इन पेशेंट्स को हॉस्पिटल में या ऑक्सीजन सपोर्ट्स पे भी रहते हैं वो भी एक कारण माना जा रहा है बहुत सारा डेटा अभी उसका सामने नहीं आया पर वो भी एक कारण माना जा रहा है तो ये सब कारण इकट्ठे हो गए इस वजह से अब क्या होता है स्टीरोड भी आपके इम्यून इम्यून को डाउन कर देता है और ऑलरेडी जो आप कोविड से आप रिकवर्ड है उस समय भी आपकी इम्यूनिटी डाउन रहती है तो जब इम्यूनिटी डाउन रहती है तो इस फंगस को मौका मिल जाता है और ये जो है एकदम से उनको ग्रसित कर देता है और अटैक कर देता है इस तरह के सिस्टम्स पे इस तरह की जो है पर्सन पे तो अब इसके अंदर क्या है सबसे महत्वपूर्ण देखने वाली बात यह है जैसा भी आपने बताया कि कुछ लोग हैं जिनको डायबिटीज भी नहीं हुआ जिनको कोविड भी नहीं हुआ उनको भी देखा गया है हाँ कुछ ऐसे भी केसेस देखे जा रहे हैं पर उसमें बहुत सारे कारण सामने निकल कर आ रहे हैं आ, कुछ लोगों ने बताया है कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया है कि अधिक मात्रा में जिंक का सेवन करने से या बहुत अधिक मात्रा में स्टीम लेने से भी बहुत अधिक मात्रा में स्टीम लेने से जो आपका नेज़ल म्यूकोज़ा है वो बर्न हो जाता है और उसकी वजह से भी वो एंटर करने के लिए एंटर हो जाता है आपका जो है फंगल इन्फेक्शन तो बहुत सारे कारण हैं अभी डेटा और भी ज्यादा सामने आ, आने वाला है पर अधिकतर देखा गया है कि जिनको जिन्होंने मिस यूज का किया है या जिनका अनकंट्रोल डायबिटीज है उनके अंदर सबसे ज्यादा देखा गया है सर ये तो हो गई ब्लैक फंगस की बात अगर वाइट फंगस की बात करें तो वाइट फंगस होता कैसे है इसका क्या जो ये जो ब्लैक फंगस व्हाइट फंगस येलो फंगस क्या ये रूप बदल रहा है या रंग बदल रहा है मतलब क्या है इसका मीनिंग देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है समझने वाली बात ब्लैक फंगस इस तरह से कोई डिजीज का नाम नहीं है पहले तो अगर हम इसी की बात करें इसको ब्लैक इसलिए नाम दे दिया गया इसका साइंटिफिक नेम म्यूकर माइकोसिस है ब्लैक इसलिए दे दिया गया है क्योंकि जब इस फंगल का इन्फेक्शन होता है इस फंगस का इन्फेक्शन होता है तो उसके बाद आ, हमारे फेस के ऊपर ज्यादातर इफेक्ट देखा गया है वहाँ की जब ब्लड सप्लाई इफेक्ट होती है तो वो जो स्किन का कलर है वो ब्लैकिश हो जाता है उस पर ब्लैक पैच दिखते हैं तो इस वजह से इसको आ, ब्लैक कह देते हैं कि ब्लैक फंगस अदरवाइज ये दिखने में ब्लैक नहीं है जब इसकी जांच होती है दूसरा आ, आपने जो बताया कि जो हम वाइट फंगस की बात कर रहे हैं या जो हम येलो फंगस की बात कर रहे हैं क्या ये भी कोरोना की तरह रूप बदल रहा नहीं ऐसा नहीं है तीनों ही अलग तरह के फंगस है क्योंकि फंगस में भी टाइप होते हैं अलग अलग तरह के फंगल इन्फेक्शन है जो आप वाइट फंगस की बात कर रहे हैं वो तो पहले काफी कॉमन आते थे जिसका साइंटिफिक नाम है कैंडिडा तो वो पहले काफ़ी देखे जाते थे हम भी रिपोर्ट में देखते थे यूरिन की रिपोर्ट में भी आते थे और सब रिपोर्टों में भी देखा जाता था वो आमतौर पर इन्फेक्शन कैंडिडा क्या होता है कि कैंडिडा में ज़्यादातर वाइट पैचेस दिखेंगे टंग के ऊपर माउथ में माउथ के सराउंडिंग वाइट 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 कलर के पैचेस ब्लिस्टर टाइप के छाले टाइप के ऐसे दिखेंगे तो इस वजह से इसको वाइट फंगस कहते हैं तो ज़्यादातर ये दिखेगा माउथ में और माउथ की कैविटी पे या टंग के ऊपर ये ज़्यादातर उधर दिखता है हालांकि फंगल इन्फेक्शन कोई भी खतरनाक हो सकता है आप ये नहीं कर सकते कि ये ज़्यादा खतरनाक है अगर इम्यूनिटी डाउन है जैसे मैंने आपको बताया जिसका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक है तो ये उसको भी अटैक कर सकता है ब्लैक फंगस भी उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना वाइट फंगस है थर्ड अभी जो येलो फंगस है उसके तो बहुत ही कम केसेस देखे गए हैं अभी कुछ सामने केसेस एक दो केसेस आए हैं येलो फंगस ज़्यादातर ह्यूमन बीइंग इंसानों में नहीं देखा गया है कॉमन येलो फंगस रेप्टाइल्स में ज़्यादातर जैसे ये छिपकली वगैरह इस तरह के जीव जंतुओं में देखा गया है इंसानों में नहीं देखा गया है ये पहला केस अभी कुछ केसेज रिसेंटली इसके डिटेक्ट हुए हैं येलो uh, फंगस के जो सिम्टम बताए हैं कि वही बहुत लॉस ऑफ एपेटाइट वज़न कम होना इस तरह के कुछ सिम्टम्स आए हैं पर अभी उसके बहुत ज़्यादा केसेस सामने नहीं आए पर तीनों ही इन्फेक्शन एक अलग अलग तरह के इन्फेक्शन है और ज़्यादातर तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि अभी पोस्ट कोविड ज़्यादातर देखे गए हैं और तीनों में एक चीज़ सिमिलर है कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज एक शब्द सुनते होंगे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज आमतौर पर समझ नहीं आता उसमें मैं समझाना चाहता हूँ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज का मतलब है जिनकी इम्यूनिटी वीक है या कम हो गई है वीक या कम किसी की वजह से भी हो सकती है एक तो जैसे महत्वपूर्ण कारण हमने बताया अनकंट्रोल डायबिटीज या जो कैंसर के पेशेंट जो कीमोथेरेपी पे चल रहे हैं उनकी इम्यूनिटी भी बहुत वीक हो जाती है तो इस तरह से कुछ सेवरल कारण है तो हर चीज का एक्सेस तो आपको नुकसान ही करेगा इसी तरह से स्टीम भी कि स्टीम आपको बताई गई है सिमटोमेटिक रिलीफ के लिए आपने बट कई लोग उसको भी ओवर यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको स्किन को डैमेज करेगी और वो भी एक कारण हो सकता है है ना और भी इसका डेटा सामने आ रहा है तो किसी भी चीज को एक्सेस में नहीं करना तो मतलब बचाव का यही है कि अपना वातावरण साफ रखें जी बिल्कुल साफ़ सफाई का तो विशेष आपको ध्यान रखना ही रखना है बिल्कुल सराउंडिंग का जिस तरह से हमने बात की आप जहाँ पर भी रह रहे हो घर में प्रॉपर एक वेंटिलेशन होना चाहिए धूल मिट्टी से आपको विशेष बचाव रखना है और सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने आपको बताया आपने अपने शुगर को और सब चीज़ों को कंट्रोल में रखना और कोई भी अर्ली साइन जैसा आपको बताया उस तरह का कोई भी साइन सिम्टम हो तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है क्योंकि इसका जितना जल्दी टाइमली डग्नोस्ड हो जाता है उतना ही जल्दी इसका ट्रीटमेंट हो जाता है तो बिल्कुल ये थे मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी जिन्होंने फंगस को लेकर जो अपनी बात है नवोद्स पंजाब के शीर्ष की